हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और अभी बजे हैं रात के 10 और 11:15 के है मेरी ट्रेन। मैं निकल रही हूँ अभी गोरखपुर के लिए, क्योंकि मेरा PhD से रिलेटेड कुछ काम है। सो उसके लिए मैं अभी जा रही हूँ गोरखपुर। और ये रही मेरी कैब, तो बस मैं निकल रही हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। ठीक है, जाओ तुम अंदर। ओके, ये है हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन। तो चारबाग रेलवे स्टेशन में पहुंच गई हूँ, और साथ में पहली बार मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गई हूँ। नहीं तो पिछली 2-3 बार से तो मुझे ट्रेन में एकदम भाग भाग के पकड़नी पड़ती। इस बार मैं आराम से जाके ट्रेन अपनी पकड़ रही हूँ। पिछली 2 बार तो ऐसा हुआ था ना कि बस ट्रेन निकलने ही वाली थी, एकदम दौड़ दौड़ के मुझे ट्रेन पकड़ना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं आराम से चल चल के अपनी ट्रेन जो है वो पकड़ सकती हूँ। ये रही सामने मेरी ट्रेन, और M5 में मेरा सीट है। ये रहा M5। सब कुछ सेटल डाउन करके मैं भी सेटल डाउन हो गई हूँ यहाँ पे। और बस यहाँ पे बेडिंग नहीं दिया इन्होंने, देखो कितना गंदा पिलो है, और साथ में बेडशीट नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंकेट दे दिया है। तो अभी देखती हूँ, वेट करती हूँ, अगर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर कंप्लेन डालेंगे कि बेडिंग वगैरह नहीं दिया है, बेडशीट वगैरह नहीं दिया है। और अभी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर में टाइम है 20 मिनट, तो बस जल्दी से निकले और मैं सो जाऊँ चुपचाप, शराफत के साथ मैं पहुँच जाऊँ गोरखपुर। क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन काम निकल आया और काम भी बहुत ज़रूरी था, तो जिसके लिए जाना पड़ेगा। सो अब से वहीं पर मिलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया, सो जाते हैं और मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे वहाँ पर। आंटी आंटी, ये लाइट ऑफ कर देंगी? इधर से देखिए ना, कहीं से होता होगा सर, नीचे होगा, तो लाइट ऑफ कर दीजिए। उधर का हो गया, ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए। थैंक यू। आधा घंटा ही हुआ होगा सोए हुए, उसके बाद खतरनाक झगड़ा जो है वो हमारे कंपार्टमेंट में शुरू हो गया। एक लेडी का बैग एक लड़के ने निकाल के बाहर रख दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने खूब खतरनाक झगड़ा किया और पूरे कंपार्टमेंट को रात में 12 बजे उठा दिया, पूरा नींद डिस्टर्ब कर दिया। मैं खुद भी सो गई थी, और फिर मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से कानों में आवाज़ आने लगी कि क्या हो गया भाई। फिर मैंने उठ के देखा कि एक बैग के लिए इतना झगड़ा हो रहा है। तो यार, जब इतने लोग आपके साथ में सफ़र कर रहे हैं तो सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप आराम से भी बता सकते थे, बट नहीं, उनको तो झगड़ा करना था। और साथ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, आप कंप्लेन कर देते, वो आके खुद ही रिजॉल्व कर देते उसको। लेकिन भगवान, बहुत झगड़ा करा इन्होंने और सबकी नींद ख़राब कर दी। गुड मॉर्निंग गोरखपुर। तो अभी बज गए हैं सुबह के 6, और एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेन ने हमें गोरखपुर पहुंचा दिया है। और बस मैं अभी ऑटो रिक्शा में बैठ के कर रही हूँ इंतज़ार कि ऑटो वाले भैया चलें और मुझे हॉस्टल छोड़ दें, तो फिर मैं आगे का प्लान जो है वो सेट करती हूँ कि कितने बजे कॉलेज निकलूँ और क्या करूँ। तो सबसे पहले तो हॉस्टल भैया चलिए। हॉस्टल में पहुंच गई थी, थोड़ा सा रेस्ट करके नहा धो के रेडी हो गई हूँ। टाइम हो गया 10:15 और 11 बजे तक मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, तो बस रेडी होकर मैं निकल रही हूँ यूनिवर्सिटी। खाना मैंने नहीं खाया, खाना खाने जा रही हूँ, खाना खा के तुरंत निकलूँगी। बाकी सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और दिव्या मेरे लिए बिंदी अरेंज कर रही है ब्लैक कलर की।
बड़ी है। हाँ ये थोड़ा सा बड़ी है, तो ये बिंदी मुझे बहुत छोटी लग रही थी, उसके लिए दिव्या मेरे लिए बड़ी बिंदी लाने गई थी तो मैं भी इसको लगा लेती हूँ और फिर निकल लेते हैं। बहुत गर्मी है यार, लखनऊ गोरखपुर ये सब एकदम जल रहा है, जल रहा है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। देखो नहा के आई हूँ मैं, लग ही नहीं रहा है कि मैंने नहाया, एकदम पसीने से वापस से गीली हो गई हूँ। खाना खा के मैं निकल गई हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी यहीं पे है सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन अंदर डिपार्टमेंट में बहुत चलता है तो मैं जाऊँगी बैक गेट से, इसके लिए मैंने ले लिया है ऑटो, और यहाँ से हम पहुँचेंगे बैक गेट पे ताकि सबसे पहला डिपार्टमेंट जो मेरा पड़ता है वहाँ पहुँच जाऊँ। मैं पहुंच गई हूँ डिपार्टमेंट और चेहरा देखो, दो मिनट पैदल चलने पे एकदम लाल लाल सा हो गया है। और चलो अंदर चल के देखते हैं कि कौन कौन आ रहा है। अभी तो सन्नाटा जैसा ही लग रहा है। हेलो, कोई तो मिला। बढ़िया, आप कैसे हैं? तो अभी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गई हूं और आज है सत्यम का वाइवा, प्री सबमिशन का वाइवा। सो अभी दो लोग का वाइवा हो चुका है, अभी हम लोग सोच रहे हैं ना दो लोग का हो गया है तो अभी हम लोग भी प्रोसीड करते हैं आगे वाइवा के लिए। तो वही सारी सेटिंग यहां पे सत्यम कर रहा है वाइवा के लिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए यहां पे सारा सेटअप हो रहा है। तो अभी टीचर्स नहीं आए हैं, बाकी अभी स्टूडेंट्स भी नहीं आए, जिसका वाइवा है वो प्रिपेयर कर रहा है यहां पे। तो वाइवा ख़त्म करके अभी हम लोग आए थे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत अपना सुख थोड़ा पढ़ वढ़ के उस बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। और तीन चार दिन यहाँ यूनिवर्सिटी में छुट्टी है, साथ में गोरखपुर में 1 तारीख को इलेक्शन है जिसकी वजह से अभी तो कुछ काम होने नहीं वाला है, तो मैं फिर से वापस आज ही निकल जाऊंगी लखनऊ। बस ये अपने घर निकल जाएंगी और मैं पकड़ूंगी जाके बस, और बस पकड़ के सीधे लखनऊ। चलिए क्या जी, तो मैं इन लोग को बोलने आई हूँ बाय बाय, ये लो फ्रूट्स और सामान मुझे दे दो। ये क्या ली दीदी, आप यहाँ से खाना खा लेती? नहीं यार, खाना नहीं खाऊंगी, गर्मी बहुत है तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसे निकलेंगे। सुबह खाया था वही नहीं डाइजेस्ट हुआ। पानी लाया है? पानी, हाँ यार पानी की बड़ी जरूरत है। बस थोड़ी देर में मैं घर पहुँचने वाली हूँ और अभी बज गया है 8:30 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। तुरंत ही मैंने वहाँ से बस पकड़ ली थी और कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया था। आप मुझे थोड़ा धूप लग रहा है तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ। तो बस आई एम ऑन द वे टू लखनऊ।